नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी ललिता की जुबानी में। हमारी आज की कहानी अगले सफर की तैयारी। एक राज्य का कानून था कि वो एक साल बाद अपना राज्य बदल लेते थे। एक दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता तो उसे राजा घोषित कर लेते थे, और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल के बीचों बीच छोड़कर आते, जहां बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख प्यास के मारे मर जाता। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही एक साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयां दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है, और उसे बड़े ही शान के साथ राजमहल में ले गए। वो हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा थे वो कहाँ है। तो दरबारियों ने उसे राज्य का कानून बताया कि हर राजा को एक साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को अपने साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले ही दिन उसने सबसे पहले राज्य को आदेश दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए, जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो, और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। एक साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप मुझे अपने कानून का पालन करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझसे पहले राजाओं को छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया, क्योंकि हमें एक अकलमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो एक साल की राजशाही के मजे में बाकी की जिंदगी को भूल जाते और अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते थे, लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज्य पर राज करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग भी ये सोचें कि कुछ दिन बाद हमें भी इस दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़ कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता, तो क्यों ना हम वक्त रहते हुए नेक काम और अपने परिवार और देश के लिए कुछ करके अपने अगले सफर की तैयारी कर लें, या बेवकूफ बनकर कुछ दिनों की जिंदगी के मजे में लगे रहें और इस जन्म को भी बर्बाद कर लें। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कौन सा सफर चुनते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।